Hello, students. I am mohammad Maruf Siddiqui, your science teacher. Today, we will discuss about one more topic from chapter first. The name of chapter first is the language of chemistry. Let's see the topic. Please listen carefully, students. First of all, we will.

बैलेंस केमिकल इक्वेशन यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण होता है तो उस संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए जो रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया होती है उस रासायनिक अभिक्रिया में जो भी हम लोग स्टार्ट में स्टार्टिंग में सब्सटेंसेस पदार्थों को लेते हैं जिनके बीच में रिएक्ट अभिक्रिया कराते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं यानी कि अभिकर्मक द सब्सटेंसेज दैट रिएक्ट themselves आर कार्ड रिएक्टेंट्स एंड दोज that आर formed आर कार्ड प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स मीन्स उत्पाद और उन जिन सब्सटेंस के बीच में आपने क्रिया कराई है और क्रिया कराने के बाद जो आपको आगे जा कर के प्राप्त हो रहा है वो आपका क्या है प्रोडक्ट है उत्पाद है रिमेंबर दैट नो एटम्स आर लॉस्ट और गेन्ड इन आ केमिकल रिएक्शन इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी एक रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी तरीके से ना तो एटम्स यानी कि परमाणुओं का नुकसान होता है और ना तो परमाणु प्राप्त होते हैं लॉस्ट मतलब नुकसान गेंद मीन्स प्राप्त होना एटम्स मीन्स परमाणु सो इसलिए द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड मस्ट बी द सेम एज दैट एंड ऑन द प्रोडक्ट साइड इसलिए किसी भी एक रासायनिक अभिक्रिया में जो आपका रिएक्टेंट साइड होता है उस रिएक्टेंट साइड के जो एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट के एटम्स की जो संख्या होती है वो हमेशा आपके प्रोडक्ट साइड के से सेम होनी चाहिए एन इक्वेशन सेटिस्फाइंग दिस रूल इज़ कार्ड अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर आप इस रूल से सेटिस्फाई हैं तो इसका मतलब कि ये आपकी इक्वेशन जो है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन यानी कि संतुलित रासायन रासायनिक समीकरण है फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए अभी हम आपको देखिए बताने जा रहे हैं इससे ज़्यादा और क्लियर हो जाएगा कि द इक्वेशन शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन कि जैसे कि कार्बन डाई ऑक्साइड की जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो इसमें आपको ऊपर देखे दिखाई गई है कि C प्लस ओ टू इज इक्वल टू सी ओ टू तो इसमें आपका C क्या है रिएक्टेंट है O2 क्या है रिएक्टेंट है दोनों में रिएक्शन हुई आगे आपका CO2 क्या बना जा करके प्रोडक्ट तो ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है बट लेकिन वन शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट लेकिन मान लीजिए हम यहाँ पर जो पहली रिएक्शन अभी आपको मैंने बताई C प्लस ओ टू में यहाँ पर ऑक्सीजन की अमाउंट सफिसियंट थी इसलिए प्रोडक्ट आपका सी ओ टू बना लेकिन दूसरी रिएक्शन जिसमें आपकी ऑक्सीजन जो है वो सफिशियंट नहीं है C प्लस ओ टू इज इक्वल टू आपका बनेगा जाके सी ओ यानी कार्बन मोनोऑक्साइड तो जब ऐसी कंडीशन में आपका जो प्रोडक्ट बनेगा तो आप ये कहेंगे कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है बिकॉज देयर आर टू एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड ओनली वन ऑन द प्रोडक्ट साइड ऐसा क्यों क्योंकि C प्लस ओ टू इसमें यहाँ पर ऑक्सीजन के दो एटम हैं लेकिन जो तो प्रोडक्ट आपका CO बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर ऑक्सीजन का एक एटम है तो इसलिए आप आप कह सकते हैं कि ये बैलेंस नहीं है टू बैलेंस दिस इक्वेशन तो इस तरीके की इक्वेशन को जब हम संतुलित करते हैं तो वी प्लेस द न्यू मेर टू बिफोर सी यानी कार्बन ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड सी ओ ऑन द प्रोडक्ट साइड तो हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट साइड में सी सी ओ से पहले टू नंबर में यानी कि न्यूमेरल में लिखेंगे और रिएक्टेंट साइड में कार्बन से पहले न्यूमेरल में टू लिखेंगे तब जा कर के आपकी ये रिएक्शन जो होगी वो हो, बैलेंस होगी देखिए इक्वेशन लिखी है टू सी प्लस ओ टू इज इक्वल टू टू सी ओ ओनली बैलेंस केमिकल इक्वेशंस आर एक्सेप्टेबल केवल वही रासायनिक समीकरण स्वीकार करने योग्य होती जो कि बैलेंस संतुलित होती है, है। यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल और आपके बैलेंस केमिकल इक्वेशन के दिए जा रहे हैं जैसे कि H2 टू प्लस सी एल टू इज इक्वल टू टू एस सी एल टू एस टू प्लस ओ टू इज इक्वल टू टू एस टू ओ टू एम जी प्लस ओ टू 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 एम जी ओ स्टूडेंट्स हमने आप लोगों को रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स और केमिकल इक्वेशन के बारे में बताया बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में बताया आप सभी लोग इन सभी आ, के बारे की जो डिफिनशन दी गई है इन सभी को आप लोग अच्छे से लर्न करिएगा और किस तरीके से रिएक्शंस बैलेंस की गई इनको भी देखिएगा थैंक यू